यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा दिन है। आज भी जेपी नड्डा कई बैठकों में शामिल होंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनके लिए जलपान की व्यवस्था की गई। इस दौरान जेपी नड्डा ने संघ परिवार से कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके बाद जेपी नड्डा की कार्यालय और विभागों की समीक्षा बैठक है। इस बैठक में पार्टी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, सभी महामंत्री, कोषाध्यक्ष और विभागों के प्रमुख मौजूद हैं। इसके बाद बूथ अध्यक्ष से ऊपर कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसमें उन्हें जीत का मंत्र देंगे और बाद में बीजापुर गेस्ट हाउस में ही सोशल मीडिया के वॉलंटियर के साथ बैठक में शामिल होंगे। तो भाजपा अध्यक्ष का जो आज का कार्यक्रम है कि सभी पदाधिकारियों से बैठक होगी। सबसे पहले संघ कार्यालय जेपी नड्डा पहुंचे, संघ परिवार के साथ जलपान विचार विमर्श किया और 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक बीजापुर गेस्ट हाउस में उनकी बैठक हुई। लंबा कार्यक्रम है। नड्डा ने कार्यालय और विभागों की समीक्षा की है। दोपहर 3:30 से शाम 4:45 तक वर्चुअल बैठक जेपी नड्डा करेंगे। बूथ अध्यक्ष के ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी वर्चुअल बैठक में मुलाकात होगी। तो ये 5 तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग, हिंदू नेशनल कॉलेज पहुंचे जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं को नड्डा ने नसीहत दी, निर्देश भी दिए। राजधानी में जेपी नड्डा का जमकर स्वागत हुआ। देहरादून में रंगारंग कार्यक्रम के साथ उनका स्वागत किया गया। तो आरएसएस के प्रांत कार्यालय जेपी नड्डा पहुंचे और उत्तराखंड में जो सियासी चुनौती 2022 में आने वाली है उसको लेकर भी बातचीत हुई।